थंबनेल तो देख ही लिया होगा। थंबनेल देख के आपको ये तो पता चल गया होगा कि आज किसकी बात होने वाली है। दोस्तों मैंने फिल्मोरा पे कई सारी वीडियोस बनाई थी, फिल्मोरा का इंटरफेस के बारे में, फिल्मोरा की पूरी जानकारी मैंने छोटे से वीडियो में दे रखी थी, जो वीडियो कम से कम आधे घंटे का तो होगा। पर अब मैं जो कर रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल चीज़ है, वो ये है कि मैं पूरी फिल्मोरा की सीरीज बनाने वाला हूँ। शुरू से लेके बेसिक से लेके एक हाई प्रोफाइल एडिटिंग तक मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। फिल्मोरा सीरीज के अंदर आज ये पहला एपिसोड है, तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्मोरा के इंट्रोडक्शन की, फिल्मोरा के अंदर उसको कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, फिल्मोरा के अंदर ऑब्जेक्टिव फाइल्स एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है। फिल्मोरा के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी लेयर के ऊपर हमारी वीडियो को ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप सीखेंगे और हल्का फुल्का कुछ बेसिक सा काम। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोमो सोमपुर, आप देख रहे हैं सोम्य व्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फ्रेश वीडियो जो है फिल्मोरा के बारे में। दोस्तों मैं आपको नॉर्मल वे में कहूँ तो अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो फिल्मोरा जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए एडिटिंग सीखने का। आज की सीरीज जो है उसका पहला एपिसोड है, जिस एपिसोड में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा क्या कैसे होता है, किसे क्या कहते हैं, जैसे बेसिक चीज़ें होती है, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो, ट्रांजिशन लगाने हो, टाइटल्स लगाने हो, फिर कट करना हो वीडियो को, स्प्लिट करना हो, उसके बाद वॉल्यूम ऊपर नीचे करना हो, वॉल्यूम के अंदर भी कई सारे सेटलमेंट्स होते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे हम इस एपिसोड में। सिर्फ बात करें इंट्रोडक्शन की, तो चलिए चलते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अब ये है इंटरफेस फिल्मोरा 9। शुरू करते ही मैं आपको बता चुका हूँ कई बार मेरी वीडियोस के अंदर, आप इसकी आदत हो चुकी है आपको, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा न्यू प्रोजेक्ट। अब नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी मैं आपको बताया नहीं इंटरफेस के बारे में। यह है 16:9 वाइड स्क्रीन जो आपको दिख रहा है। ये यहाँ पर बहुत सारे इसके वेरिएंट्स दे रखे हैं, आपको सिनेमा करना है तो आप सिनेमा कर सकते हैं, एवरी स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट इंस्टाग्राम आप जिस टाइप के बनाना चाहते हैं। हम नॉर्मली रखते हैं 16:9 क्योंकि हमारी वाइड स्क्रीन जो होती है 16:9 फ्रेम की होती है। ओके, ओपन प्रोजेक्ट जो है हम यहाँ पे सीधा ओपन प्रोजेक्ट सीधा यहाँ पे टच करके या फिर हमारे प्रोजेक्ट्स जो बनाए वो ओपन कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से हमारा जो रिसेंट प्रोजेक्ट चल रहा है वो हमें देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट को करते हैं ओपन, ओपन करते ही आता है सबसे पहले इसे हम क्रॉस कर देंगे। तो ये है भैया पूरा फिल्मोरा 9 का टोटल इंटरफेस। ठीक है, फिल्मोरा 9 के इंटरफेस में इतनी बड़ी आपको जो चीज़ दिख रही है, आप सोच रहे होंगे कि यार थोड़ा लेंदी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी पहले यूज़ किया तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर जब मुझे इसकी आदत पड़ी तो आदत ऐसी पड़ी कि मैं अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट, अब जो बात करते हैं, आपको मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन वीडियो, तो नॉर्मली इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो होती है, आप मेरी कर्सर पे जाइएगा, जो ये मेरा कर्सर है वहाँ पे, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़, इस चीज़ को हमारा स्क्रीन कहते हैं। मतलब आप जो भी ड्रैग करके यहाँ पर प्ले करेंगे तो वो स्क्रीन के अंदर नज़र आएगा पहली बार। ठीक है, ये हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप इंपोर्ट बॉक्स कहते हैं, जिसे हम यहाँ पर आप जितनी भी आपकी फाइल्स जो है वो इंपोर्ट करेंगे तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ठीक है, वो यहाँ से भी आप नॉर्मली भी शुरू कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा वो कैसे करेंगे। ये जो पूरी आपको यहाँ पर लेयर दिख रही है, ये पूरी ये लेयर ये वाली, तो ये पूरी लेयर को हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पर जो है लेयर पे हम ड्रॉप करते हैं, इसे लेयर ही कहते हैं, सॉरी लेयर क्या बात कर रहा हूँ मैं, कुछ भी। तो इस जो पूरी पट्टी दिख रही है इसको कहते हैं लेयर्स। अब लेयर्स के अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शंस कई सारे दे रखे हैं, तो आपको बता दूँ, जैसे ये ऑप्शन खोलेंगे तो ऐड वीडियो ट्रैक हम ऐड कर सकते हैं, जितने चाहे उतने हम वीडियो ट्रैक लगा सकते हैं, जितना हमारी मर्जी हो, क्योंकि हम जब बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं फिल्मोरा में बहुत अच्छी तरह से, तो जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए हम यहाँ पर लेयर ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो की लेयर ऐड कर सकते हैं, ऑडियो की लेयर ऐड कर सकते हैं, कितनी भी ऐड चाहे तो। और अगर आपको, मैं जैसे हटा रहा हूँ, आपको डिटैच करना है या फिर डिलीट करना है अगर लेयर को, तो यहाँ पर डिलीट एम्प्टी लेयर कर देंगे तो सारे यहाँ पर हट जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लेयर कर दिया, ये मैंने ये ऐड करा वीडियो लेयर को। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर जाकर डिलीट सेलेक्टेड लेयर या फिर डिलीट एम्प्टी लेयर ये कर दिया तो मैं दो दो लेयर हट जाएगी। ठीक है, ये हम यहाँ पर हम हमारे हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ऐसे ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर, जैसे माइक्रोफोन का ऑप्शन दे रखा है, अगर आपको कोई एक्सटर्नल वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है तो इसी आप ओके करेंगे या फिर रिकॉर्ड टाइम करेंगे, यहाँ पे दबाएंगे स्टार्ट स्पेस स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आप यहाँ से अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम जहाँ पे जाएं तो ये म्यूज़िक गैलरी वगैरह है, यहाँ पर आप अपने म्यूज़िक जो डालते हैं उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको किस तरह से बेस, किस तरह से, जिस तरह से अल्टरनेटिवली सोर्स आपको रखना है, इस चीज़ की हम बात करेंगे। जब ऑडियो मिक्सर है, मिक्सिंग का जो मास्टर क्लीनर होता है वो है ऑडियो मिक्सर। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं
यहाँ पर जैसे लेवल्स अप लेवल डाउन हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं, अब वो हमारे म्यूजिक पर डिपेंड करता है कि हमको कितना एडजस्ट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ये साइज साइज की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे ये ड्रैगन ट्रू होता है एरिया, जैसे मतलब ये जैसे इस तरह से हम जो खींचते हैं अपने हिसाब से एडजस्टमेंट होता है। उसके बाद ये जैसे यहाँ पर लेयर हम बढ़ाना चाहे छोटा चाहे मतलब हम जिस हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये जो कंडेंसर का काम करेगा, जैसे म्यूजिक वगैरह आप जब लगाते हैं तो उसके अंदर कितना इसका वॉल्यूम अप जा रहा है, वॉल्यूम जितना भी एडजस्टमेंट है वो बता देगा। क्वेश्चन मार्क का है, मतलब ये कुछ इतना सीन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ऑडियो की बात करते हैं। हम ऑडियो फुल रख सकते हैं, हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्रीन का रेशियो भी यहाँ पर दे रखा है, चेंज प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशियो। अगर आप वाइड स्क्रीन यहाँ पर आपका थोड़ा प्रोसेसर हल्का है तो आप यहाँ पर जो इसका एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपकी जो एक्सपोर्ट वीडियो होगी उस पर कोई भी इसका फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पर जो प्लेबैक क्वालिटी है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पर धुंधला दिखाएगा, थोड़ा फटता फटता दिखेगा, पर वहाँ पर आपकी क्वालिटी जो है वो एकदम अच्छी आएगी। तो ये था इसका नॉर्मल फेस। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ मीडिया के ऑप्शन। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये फिल्मोरा 9 के पास जो फाइल वगैरह के ऑप्शन है, वो फाइल का ऑप्शन देखें तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट्स की बात होती है। न्यू प्रोजेक्ट्स हम ले सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एन, अगर आप यहाँ से सीधा कंट्रोल में एन दबाता हूँ, कंट्रोल एन प्रेस करा तो सीधा एक और न्यू प्रोजेक्ट आ गया। ठीक है, ये न्यू प्रोजेक्ट सीधा आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं फाइल में जाके ओपन प्रोजेक्ट, हम कंट्रोल ओ करेंगे, कंट्रोल ओ करते हैं तो यहाँ पर सीधा हमारा ओपन न्यू प्रोजेक्ट यानी जितने भी रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे थे, यहाँ पे सारे रिसेंट प्रोजेक्ट जो भी दिखा देगा। इंपोर्ट मीडिया यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए इंपोर्ट मीडिया जो है ना वो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा। डबल क्लिक करने के बाद अगर आपको इंपोर्ट मीडिया यहाँ से सीधा कंट्रोल आई दबाना है तो कंट्रोल आई से भी इंपोर्ट मीडिया आ जाएगा, आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ दबा सकते हैं, या फिर यहाँ भी इंपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया ये भी चला सकता है, नहीं कई सारे ऑप्शन है। रिकॉर्ड्स में आप यहाँ पे रिकॉर्ड आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ। उसके बाद नीचे देखते हैं डाउनलोड मीडिया वगैरह, ये तो दो है रिकॉर्ड मीडिया। ये डिलीट प्रीव्यू रेंडर, आपने जो पहले की वीडियो की थी उसको डिलीट करना है अगर रेंडर करने से पहले तो, वो ये प्रोजेक्ट की सेटिंग्स वगैरह हैं आपको क्या रखनी है, जो अपने बार हमने देख ली थी क्या सेटिंग्स होती है, 25 FPS रेट चलती है, 30 FPS रेट चलती है, उस हिसाब से काम होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेफरेंस कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये इतना काम करिए। एग्जिट करना हो तो अल्टर F4 भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें एग्जिट करना है तो अल्टर F4 भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मली। एडिट की बात हुई तो यहाँ पर जो हम एडिट करेंगे उसके हिसाब से चलता है ये सारा मामला। टूल्स की बात करेंगे तो हम इम्पोर्ट व्यू लिस्ट यहाँ पर देख ले आप, मतलब आपके हिसाब से सब मैनेज कर सकते हैं। स्मॉल थंबनेल या फिर व्यूअर में जा सकते हैं, शॉर्ट बाय कैटेगरी एंड असेंडिंग ऑर्डर, नेम एंड कैटेगरी। ये व्यू की बात करें तो आप स्टॉप फुल स्क्रीन एंटर वगैरह आप आराम से ये तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं ये नॉर्मली। एक्सपोर्ट की बात करें तो क्रिएट वीडियो में जो बनाया उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, DVD में करना है, अपलोड व्यू यूट्यूब पर सीधा अपलोड करना है, एक्सपोर्ट टू डिवाइस करना है, एक्सपोर्ट टू डिवाइस में हम सीधा यहाँ पर डिवाइस में ये एक्सपोर्ट हो जाता है, इस टाइप से ये सब बात रहती है। ठीक है, और हेल्प तो छोड़ो। तो ये था एक नॉर्मल सा इंटरफेस। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई वीडियो ड्रैग करता हूँ, तो ये मैंने ये दो वीडियोज यहाँ पर ड्रैग करी हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो वीडियो ड्रैग करी हुई है और साथ ही मैं कुछ ऑडियोज भी डाल देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर तीन चीज़ें जो मेन हमारी ऐड करी हुई है। ठीक है, ये नॉर्मल तीन चीज़ें हमारी जो ऐड करी है मैंने। अब हमें सबसे पहली बात तो ड्रैग एंड ड्रॉप आना चाहिए। अगर आप नॉर्मल वीडियोज़ बना रहे हो तो ज़्यादा स्लाइडें आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप कोई ऐसी वीडियो बना रहे हो जिसके अंदर आपकी वीडियो में आपको क्या कहते हैं, मतलब अगर आप कोई ऐसी वीडियो बना रहे हो जो आपकी वीडियो के अंदर यहाँ पर क्रोमा की लगानी हो या फिर कई सारे ट्रैक्स चेंज हो रहे हो तो आप वीडियो ट्रैक्स जो है वो एक्सटर्नल ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं दो या तीन ट्रैक तो मेरे साथ रखता ही हूँ। ठीक है, और ऑडियो ट्रैक आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं एक ही ऑडियो ट्रैक पे या दो ऑडियो ट्रैक पे चला लेता हूँ। जब हमको वीडियो को ड्रैग करनी हो तो या राइट क्लिक करके भी हम इंसर्ट कर सकते हैं या फिर शॉर्ट तरीका आप यहाँ से सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो सबसे सिंपल तरीका रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जैसे ही इसे मान लीजिए, देखिए ये तो अभी नॉर्मल, यहाँ पर अभी ये जो स्लाइडर है यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, ये वाला स्लाइडर पर कुछ भी नहीं आ रहा है, पर अगर जैसे ही हम वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो उस टाइम पे देखिएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इतने सारे सिंबल्स और खुल गए, मतलब हर एक चीज़ के अंदर हमारे सिंबल्स खुलते जाएंगे, मतलब हर एक चीज़ के अंदर हमारे ऑप्शंस खुलते जाएंगे। अब मान लीजिए देखिए वीडियो है हमारी। दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि गलती से ही इंसान सीखता है। अब जैसे नॉर्मल मेरी वीडियो है, अब इस वीडियो के अंदर ना तो अभी परफेक्ट साउंड है,
ना ही अभी बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने दिया है, ना ही स्टूडियो को पूरा कंप्लीट किया है। अभी इसके पीछे आप सोच रहे हो ग्रीन स्क्रीन है, वो वीडियो के हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वो अलग पार्ट है। अभी हम सिर्फ एक बेसिक की बात कर रहे हैं, ये जो हमने वीडियो ड्रैग करी इसके बाद हमारा क्या क्या काम रहता है। और सबसे पहली तो आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ पर ये अनवांटेड पार्ट है। दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि गलती से ही इंसान सीखता है, गलती अगर नहीं करोगे तो आगे आने वाले ये। गलती अगर नहीं करोगे तो आगे आने वाले सबसे। अभी जो अनवांटेड पार्ट्स है इनको हमें कैसे कट करना है, कैसे हटाना है, हमारे वीडियोस में ट्रांजिशन कैसे लगेंगे उसकी बात करते हैं। चलिए हम वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। नॉर्मली जैसे हमारी स्टार्ट वीडियो जो ये है। दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि गलती से ही इंसान सीखता है, गलती अगर नहीं करोगे तो आगे आने वाले, ये जैसे यहाँ पर कट हो रहा है। अब मुझे पता है कि ये पूरा पार्ट वो अलग ही पार्ट है, तो हम यहाँ से देखते हैं। दोस्तों ये तो आपने सुना ही होगा। देखिए ये पार्ट जो है हम यहाँ से लेयर्स में भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है इसकी म्यूजिक लेयर है, हम इसको यूँ प्रेस करके और ये बढ़ा सकते हैं। बढ़ाएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर ऑडियो है और कहाँ नहीं। जैसे यहाँ पर कोई ऑडियो है ही नहीं, जैसे यहाँ कोई ऑडियो नहीं और यहाँ ऑडियो ही ऑडियो है। मैंने भी अभी मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो हमको यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमारी लेयर्स कौन कौन सी एडजस्टेबल है और नहीं है। तो हम यहाँ से आके अब कट लगाने का जो तरीका है, आप जैसे यहाँ पर ये जो इसकी एक लाइन देख रहे हैं उस लाइन पे आप कैची का ऑप्शन देख रहे हैं, वहाँ से भी आप कट लगा सकते हैं। ये एक नॉर्मल तरीका है। तो ये जो है वो कट लग के ये वीडियो इससे अलग हो गई, आपको दिख रही होगी। या फिर एक नॉर्मल सा हम तरीका है, हम क्या करते हैं, अगर हमको प्रोफेशनल एडिटिंग करनी है तो हमें शॉर्ट कीज ध्यान रखनी पड़ेगी। और शॉर्ट कीज कैसे लगानी है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको आपकी वीडियो को स्प्लिट करना है, कट करना है, कैची के ऑप्शन का बार बार यूज़ नहीं करना है, आपको आपके कीबोर्ड पर चलना है, तो कंट्रोल बी इसका जो एक अलग सा कीवर्ड है, तो कंट्रोल बी को आप दबाएंगे तो ये वैसे ही स्प्लिट हो जाए। जैसे मैंने आपको कंट्रोल बी दबाया ये, तो ये वैसे ही पूरी वीडियो स्प्लिट हो गई अलग से, ठीक है। तो मुझे जितना भी स्प्लिट करना, पहले यहाँ से स्प्लिट करना है कंट्रोल बी, यहाँ से सीखते हैं कंट्रोल बी। मैंने भी अभी मेरा कंट्रोल बी, तो जितनी बार मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ अपने हिसाब से मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। तो मुझे पहले तो ये अनवांटेड पार्ट हटाना है, तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल बी करके इस वाली वीडियो को सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँ। दोस्तों ये तो आपने सुना ही होगा कि इंसान गलतियों से सीखता है। तो ये हमारी वीडियो का एक शुरुआत हो गया। अब आप देख रहे हैं कि वीडियो जो है वो एकदम सिंपल सी है। ये तो आपने सुना ही होगा। तो वीडियो एकदम सिंपल सी है, देखिए। इंसान गलतियों से सीखता है। आज मैं हूँ, मैंने भी अभी मेरा यूट्यूब चैनल। अब मैंने जो शुरुआत में आपको इतने सारे ऑप्शन बताए थे, उन ऑप्शन का भी एक एक काम हो रहा है। देखिए मैं बताता हूँ, ये कंडेंसर देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। स्टार्ट किया है, मैं भी गलती कर करके आगे। तो ये जो आप यहाँ पर इस जगह पर आप जो वॉल्यूम का अप डाउन देख रहे हो, तो आपको पता लगा कि आपका वॉल्यूम दोनों एडजस्टेबल है कि नहीं। बढ़ रहा हूँ, आज वीडियो बनेगी उसमें भी कोई ना कोई गलती, तो आपको इससे पता चल जाता है कि आपको वीडियो कहाँ एडजस्ट करना है और कहाँ नहीं, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब जैसे ट्रैक्स की बात करें तो हम ट्रैक्स, तो हाँ मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर आप ट्रैक्स के अंदर ये लॉक का ऑप्शन देख रहे होंगे, आई का ऑप्शन देख रहे होंगे, ये हर एक के अंदर आ रहा है। यहाँ पे भी ये साउंड का ऑप्शन आ रहा है और ये लॉक का ऑप्शन आ रहा है। अब वीडियो ट्रैक्स जो होती है उसमें हमेशा आई और लॉक का ऑप्शन आता है। लॉक का ऑप्शन आता है मतलब अगर मैं इसको लॉक कर दूँ, तो यहाँ पर आप जो एक लाइनिंग बनी हुई देख रहे होंगे, मतलब मैं इस वीडियो पर अब कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब मुझे चेंज करना है तो मैंने कोई अलग से वीडियो डाल रखी है, जैसे मान लीजिए मैंने ये वीडियो डाल रखी है, तो ये वीडियो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। बाकी मैं इस वीडियो में अब कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं जब तक ये लॉक हटाऊंगा नहीं, तब तक मैं इस वीडियो में कोई भी चेंज नहीं कर सकता। मान लीजिए जैसे मैंने लॉक लगाया ना, तो मैं यहाँ पर ये स्प्लिट कर सकता हूँ ना, कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने लॉक हटाया उसके बाद चाहे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये ऐसी बात रहती है। अगर आई के ऑप्शन को देखें तो आई का ऑप्शन क्या कहता है बताया, आई का ऑप्शन होता है जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए आई का ऑप्शन दबाया, तो ये वीडियो जो है वो आई कॉन्टेक्ट से हट जाएगी, मतलब ये जो लेयर से हट जाएगी, मतलब ये लेयर में है ही नहीं। अगर जब तक ये आई के ऑप्शन को आप ओपन नहीं करोगे, तब तक ये वीडियो आपकी लेयर पे शो नहीं करेगी, मतलब वो एडिटिंग में ही नहीं आएगी। तो ये था कुछ बेसिक सा। अब हम बात करते हैं वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो जो है दोस्तों ये तो आपने सुना ही होगा कि इंसान गलतियों से सीखता है। अब मैं आपको नॉर्मल चीज़ बताता हूँ कि वीडियो के ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। वैसे हम अलग अलग चीज़ अलग अलग वीडियो में बात करेंगे, पर मैं आपको इस नॉर्मल एक बात बताता हूँ क्या हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या और कुछ नॉर्मल चीज़ें हो सकती है वीडियो बनाते समय। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर साउंड को ड्रैग किया, ये साउंड भी नॉर्मली ड्रैग हो सकता है और वो इंसर्ट का ऑप्शन आता है। तो ये जो हमारा साउंड है इसको भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने साउंड लगाया ये, अब आप देख रहे हैं कि मेरे वीडियो का साउंड और इस एक्सटर्नल मैंने म्यूजिक लगाया उसका साउंड जो है वो इधर उधर है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब हमको सुनाई नहीं दे रहा है। तो हमको साउंड को एडजस्ट करना है। तो मान लीजिए हमने पकड़ा और इसको थोड़ा सा नीचे की ओर एडजस्ट कर दिया, ये मैं भी
गलती कर करके ही आगे बढ़ रहा हूँ। आज वीडियो बनेगी उसमें कोई ना कोई गलती। अब ये जैसे है साउंड एडजस्ट हो गया, हम हमारे साउंड को एडजस्ट यहाँ से भी कर सकते हैं और डबल क्लिक करके हम यहाँ से भी कंडेंसर से हमारा साउंड एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे है, जैसे हम चाहे जिस हिसाब से चाहे हमारी मर्जी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों एक सिंपल सा ओवरव्यू फिल्मोरा 9 के बारे में। तो फ्रेंड्स ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन फिल्मोरा 9 के बारे में। इंट्रोडक्शन मतलब सिर्फ नॉर्मली बात बताइए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम आगे के जितने भी ऑप्शंस हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अलग अलग तरीके से हमारी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। कई सारे ऐसी चीज़ें होती है जो अंदर ही अंदर छुपी होती है और हमें निकालनी पड़ती है। फंक्शंस की बात करेंगे, ट्रांजिशन की बात करेंगे, इफेक्ट की बात करेंगे, इफेक्ट मैनुअल की बात करेंगे, एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे, क्रॉप कट और सब की बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सौम्य व्लॉग्स पे।